यो व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग खेलने जा रहे हैं वापस से एक बार माइनक्राफ्ट, बट आज हम किसी भी ब्लॉक के अंदर जा सकते हैं। यस भाई, कितना अजीब है ना सुनने में कि हम कोई भी माइनक्राफ्ट के ब्लॉक के अंदर घुस सकते हैं। लाइक जस्ट इमेजिन कि अगर कोई ब्लॉक है और उसके अंदर मैं चला जाऊं, भाई वो ब्लॉक अंदर से कैसा दिखता होगा। जैसे कि ये डर्ट देखो गाइस, आप लोग ये नॉर्मल डर्ट, ये अंदर से कैसे दिखती होगी भाई, इसके अंदर क्या क्या रहता होगा, वो सब कुछ आज की वीडियो में हम पता लगाने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है, तो जल्दी जाके फटाफट से लाइक कर दो वीडियो लोग, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो का लाइक है मैं 5500 लाइक्स। आई होप गाइस आप लोग इतना तो करवा लोगे ना प्लीज। और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी शक्ल मत देखो, जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि दोस्तों हमें इस ईयर के एंड होने से पहले 500,000 सब्सक्राइबर्स को हिट करने का है। कुछ ज्यादा बोल दिया, पर आप लोग करवा सकते हो। तो दोस्तों अभी सबसे पहले तो हमें अंदर जाने के लिए, हम जाएंगे कैसे अंदर, हमें कोई एंडर पर्ल तो चाहिए रहेगी ना, तो वो भी मेरे पास है यहाँ पे, इसे कहते हैं इनसाइड पर्ल। अब इस एंडर पर्ल की मदद से मैं किसी भी ब्लॉक के अंदर जा सकता हूँ, बट यार अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर मैं अभी चला गया और पता चला अंदर कोई मॉन्स्टर निकल गया भाई, फिर तो मेरी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम माइनक्राफ्ट का एक उसूल पूरा करेंगे, जो कि है लकड़ी काटना, क्योंकि लकड़ी काटोगे तो इससे तुम्हें मिलेंगे वुड्स और उससे तुम्हें मिलेंगे बहुत सारे टूल्स, ठीक है। तो हम हमारी प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे टूल्स निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, हमें मरना नहीं है इस वाली वीडियो में, ठीक है, ये हमारा मेन मोटिव है, कुछ भी हो जाए भाई हम मरेंगे नहीं। ओके, तो यहाँ पे आपने बहुत सारी लकड़ियां माइन कर ली है, फटाफट से यहाँ पे हम बना लेते हैं कुछ बेसिक से टूल्स। ओ भाई ये देखो गाइस, और हाँ मैं आपको एक चीज बताना तो भूल ही गया, इसमें ये मॉड के साथ साथ मैंने यहाँ पे और भी कस्टम चीजें ऐड करी है, जैसे कि कस्टम मॉब्स, कस्टम ब्लॉक्स, कस्टम वेपन्स, यानी कि बहुत मजा आने वाला है। और रास्ते में आपको कुछ अजीब अजीब स्ट्रक्चर्स भी मिल सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग मेरी एक्स को ही देख लो कितनी ओपी लग रही है ना। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्टिक्स बना ली है, और अभी मेरे को फटाफट से नीचे जाके थोड़ी सी स्टोन्स माइन करने होंगे। ओके, तो स्टोन यहाँ पे आ चुके हैं। यार मेरे को ऐसा क्यों लगा कि आसपास कोई मॉब घूम रहा है ना, कुछ आवाज आई मेरे को। ओके, कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे स्टोनेज मिल चुकी है, फटाफट से थोड़े से बेसिक स्टोन्स निकाल लेते हैं यहाँ से। तो भिड़ू लोग, यहाँ पे मैंने बहुत सारा स्टोन निकाल लिया है, तो एक काम करते हैं अभी ऊपर चलते हैं फटाफट से और कुछ स्टोन के टूल्स बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है स्टोन की पिकैक्स, और ये रही स्टोन की एक्स, देख रहे हो ना दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, जहाँ पे आप लोग बहुत सारे गेम्स खेल सकते हो एंड उससे आप लोग बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हो। बीसी गेम्स दुनिया का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें आपको काफी सारे मजेदार गेम्स मिलेंगे और जिसमें आप बहुत सारे रिवॉर्ड्स जीत के उसको क्लेम भी कर सकते हो, जैसे कि माइंस, कॉइन फ्लिप और एक्सेट्रा। इसमें से मेरा फेवरेट है माइंस, इसके अंदर आपको प्रेडिक्ट करना होता है कि कहाँ पे होंगे माइंस और कहाँ पे होंगे बॉम्ब्स। एंड ये देखो मैं सही प्रेडिक्शन करके जीत गया बहुत सारे प्राइस। सो आप लोग यहाँ पे इस तरीके का प्रेडिक्शन करके प्राइजेस जीत सकते हो और उसको इंस्टेंटली विड्रॉ भी कर सकते हो। मेरे कमेंट में जो आपको लिंक मिलेगा उसको अगर आप लोग यूज करोगे तो आपको 300% तक का बोनस मिल सकता है, जल्दी से जाके देखो मेरा पिन कमेंट। एंड इवन तो आप इसमें स्पोर्ट्स में भी प्रेडिक्शन कर सकते हो, जैसे अभी IPL चल रहा है और भी बहुत सारे क्रिकेट मैचेस चल रहे हैं, तो उसमें भी आप प्रेडिक्शन करके बहुत सारे पैसे जीत सकते हो। सो देरी मत कीजिए एंड यूज कीजिए मेरा प्रोमो कोड जो अभी डिस्प्ले हो रहा है आपके सामने। और हाँ, इस वाली अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, क्योंकि आप लोगों को प्रोमो कोड और प्रोमो लिंक भी मिल रही है, जिससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। और ऊपर से इसकी गेम्स बहुत इजी होते हैं, यानी कि आप लोग बहुत इजीली प्रेडिक्शन कर सकते हो, लाइक इतना हार्ड नहीं होने वाला है, समझ रहे हो। आप लोग यहाँ पे इजीली बहुत सारे प्राइजेस ले सकते हो, बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं जिसके अंदर आप प्रेडिक्शन कर सकते हो और गेस कर सकते हो कि आपकी कौन सी फेवरेट टीम जीतने वाली है, एंड अकॉर्डिंगली आप लोग प्राइजेस जीत सकते हो। सो या स्टार्ट प्लेइंग नाउ। ओके, तो हमारे पास आ चुका है गेटिंग अपग्रेड भी आ चुका है, विच इज वेरी कूल। तो अभी एक काम करते हैं, थोड़ी सी और ट्रीज काट लेते हैं, क्या पता हमें ब्लॉक्स की जरूरत पड़ जाए। और हाँ, हमें खाने का तो जुगाड़ करना है भाई, खाना थोड़ी सर पे उगने वाला है। ओके दोस्तों, तो खाने का जुगाड़ भी करेंगे, बट ये क्या है भाई, ये कोई अलग तरीके का पौधा लग रहा है, क्या इस पौधे से हमें खाना मिलता है, इसको तोड़ के देखते हैं क्या मैं इसको खा सकता हूँ। हाँ, फ्लावर ऑफ हील, ओ भाई ये फ्लावर तो कुछ ज्यादा ही ओपी लग रहा है, एक काम करते हैं और ऐसे फ्लावर्स निकाल लेते हैं, क्या पता इससे हमारी भूख मिट जाए। यहाँ पे कोई पिग विग नहीं दिख रहा है यार, वरना तो ऐसे ही डोलते रहते हैं वो लोग, मेरे को अभी जब खाना चाहिए तभी पिग नहीं दिख रहा है मेरे को, चुम हो गएगा। ओ ये कौन सा फूल है भाई, ये अलग अलग फूल कहाँ से आ रहा है यार, मेरे को लगता है ना मेरा वर्ल्ड कुछ ज्यादा ही कस्टमाइज हो चुका है। ओ वेट, यहाँ पे तो कोल है, क्या मतलब हम कोल के अंदर भी जा सकते हैं, ओ भाई कितना अमेजिंग है यार, मैं तो वेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों एक काम करते हैं, सबसे पहले अपने किसी फर्स्ट ब्लॉक के अंदर जाके देखते हैं, ठीक है। तो ये रहे हमारे इनसाइड पर्ल, और फटाफट से हम जाके देखते हैं डर्ट ब्लॉक के अंदर। तो ये रहा हमारा डर्ट ब्लॉक, तो अभी चलते हैं इसके अंदर, 3, 2, 1। और ये देखो गाइस, ओ भाई ये मैं कहां पे आ चुका हूँ, ये मैं लिटरली डर्ट ब्लॉक के अंदर आ चुका हूँ,
भिड़ू लोग ये क्या है? ओबे वाह, यहाँ पे एक चेस्ट भी है दोस्तों। इस चेस्ट के अंदर क्या है? हाँ ये क्या है? कोर्स डर्ट। और ये कॉकरोच, भाई यहाँ पे कॉकरोच भी घूम रहा है। छी कॉकरोच तेरी ऐसी की तैसी, अब एक साले भाई कॉकरोच तो यहाँ पे भी आ चुका है। भाई कितने गंदे लग रहे हैं ये कॉकरोच। और वैसे ये चीज क्या करती है? ये क्या है? हेमोलिम्फ ब्लास्टर। इससे क्या होता है यार? मेरे को लग रहा है ना ये तो कोई ब्लास्टर है। एक काम करते हैं, इसको कॉकरोच पे टेस्ट करते हैं। किधर भाग रहा है? रुक जा, सीधा खड़ा रहे। ओए ये तो शूट करता है भाई। मेरे को लग रहा है ये कोई पिचकारी है, देखना ऐसा लग रहा है पिचकारी की तरह अंदर से वाटर कलर्स निकल रहे हैं, बहुत अमेजिंग। और इसके अंदर क्या है? मेरे को लग रहा है ना सारे ऐसे डर्ट के अंदर ना कुछ चेस्ट रखी हुई है ना गाइस। इसके अंदर कोई चेस्ट है क्या? यार इसके अंदर तो कोई चेस्ट नहीं है। क्या इसके अंदर कोई चेस्ट है भाई? इसके अंदर मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं चेस्ट भर रखी है, जैसे यहाँ पे चेस्ट थी। ओके तो एक काम करते हैं, ये बार ब्लास्टर निकाल लेते हैं। भाई ये ब्लास्टर कुछ ज्यादा ही अमेजिंग है। और ये क्या है? कॉकरोच विंग फ्रेगमेंट। व्हाट? कॉकरोच के विंग्स से मैं क्या बना सकता हूँ? ओके दोस्तों इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं। और मेरे को कुछ ब्लॉक्स भी तो चाहिए रहेंगे, तो यहाँ से हमारे पास डर्ट भी आ चुकी है। और मेरे को मुंह के सामने ऊपर जाने का रास्ता भी दिख रहा है, तो एक काम करते हैं फटाफट से अभी बाहर चलते हैं, क्योंकि डर्ट के अंदर तो हमने घुस लिया। और देख लिया भाई, डर्ट के अंदर से हमें मिला ये हेमोलिम्फ ब्लास्टर, कुछ ज्यादा ही तगड़ा था दोस्तों। तो एक काम करते हैं यहाँ से निकलते हैं अभी हम। ओ भाई ये डर्ट के अंदर से तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। और मैं ये कौन सी बायोम में आ गया? ओके यहाँ पे बेरीज है, तो अपने को खाने की जुगाड़ तो हो चुका है। बेरीज खाएंगे, मजा नहीं लाइफ। ओके दोस्तों तो हम कोल के अंदर जाके भी देखने वाले थे ना, तो ये रहा हमारा कोल। और जाते हैं इसके अंदर। ब्रो व्हाट, हम कोल के अंदर जा सकते हैं? नो प्रॉब्लम। क्या मतलब हम आयरन के अंदर जा सकते हैं? तो मेरे को फटाफट से आयरन और ढूंढना पड़ेगा। बट उससे पहले भाई हमें सोना भी तो पड़ेगा यार, रात हो चुकी है और रात में बहुत गंदे गंदे मॉन्स्टर्स घूमते हैं। भाई यार वो मेरे को मार के चले जाएंगे तो। अरे भाई ओके आराम से चलते हैं। भाई यहाँ पे ज़ॉम्बी दिख गया है मेरे को, निकल लो फटाफट निकल लो। स्केलेटन भी आ चुका है, तेरी ऐसी की तैसी बेटा मेरे को मारेगा। भाई मेरे को मरना नहीं है और मेरी एचपी भी कम है। भागो। ओके दोस्तों मेरे को फटाफट से खाने का जुगाड़ करना पड़ेगा, बहुत सारा खाना निकालना पड़ेगा। ओके भागो क्रीपर ज़ॉम्बी सब आ गए भिड़ू लोग। ओके भिड़ू लोग तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ केव के अंदर। और केव के अंदर फटाफट से यार मेरे को टॉर्च बनानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को घंटा कुछ नहीं दिख रहा है। ओके दोस्तों तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। काम करते हैं, मेरे को फटाफट से ना आयरन ढूंढना होगा, ताकि मैं आयरन ब्लॉक के अंदर जा सकूं। ओ ये आयरन आयरन ओके आयरन दिख चुका है मेरे को यहाँ पे। एक काम करते हैं आयरन के अंदर जाके देखते हैं हमें क्या मिलने वाला है। अरे मेरे हाथ में तो टॉर्च है। ओके अब जाते हैं यार, मैं आयरन ओर के अंदर तो जा ही नहीं पा रहा हूँ। ओके दोस्तों तो यहाँ पे फटाफट से थोड़ा बहुत आयरन कलेक्ट कर लेते हैं। ओके दोस्तों तो यहाँ पे हमारा आयरन भी स्मेल्ट हो ही चुका है, तो एक काम करते हैं फटाफट से आयरन से हम बना लेते हैं थोड़ा सा आर्मर वगैरह, ठीक है। बट हाँ वेट, सबसे पहली बात कि क्या पता हम आयरन ब्लॉक के अंदर घुस पाए, है ना। ओके तो एक काम करते हैं, मैंने आयरन का ब्लॉक तो बना लिया है, अभी फटाफट से खाना खा के अपनी हेल्थ फुल कर लेते हैं सबसे पहले। और यहाँ से मैं मेरा फर्नेस भी तोड़ लेता हूँ, क्राफ्टिंग टेबल तोड़ लेता हूँ, और चलता हूँ सीधा इसके अंदर और देखते हैं कि यहाँ पे क्या मिलने वाला है। ओ वेट, मैं आ चुका हूँ आयरन ब्लॉक के अंदर। भाई यहाँ पे कितना सारा आयरन है। भाई मेरे को लग रहा था कि आयरन ब्लॉक के अंदर कुछ ही आयरन होगा, बट ये पूरा ब्लॉक ही तो आयरन का है। मैं भी क्या यार, यहाँ पे मेरे को कुछ ज्यादा ही आयरन मिल चुका है। दोस्तों अभी हमें चेक करना है कि यहाँ पे चेस्ट वेस्ट का है। ये रही चेस्ट, भाई एक काम करते हैं चेस्ट के अंदर देखते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है। ड्रैगन विंग पिकैक्स एफिशिएंसी 255। भाई साहब ये पिकैक्स का टेक्सचर देखो भाई, कितनी कड़क पिकैक्स है भाई। ये तो कुछ सेकंड्स के अंदर ही सब माइन कर रही है। भाई इसकी स्पीड देखो गाइस, ब्रो इसकी स्पीड देखो भाई, कितनी फास्ट है ये यार। अब तो मैं ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए आयरन ब्लॉक्स यूज करने लगूंगा, है ना। इतनी अमीरी आ चुकी है भाई, है ना एकदम कड़क। और क्या क्या है इसके अंदर देखते हैं। आयरन की ये है बकेट, है लावा बकेट है। नाइस। और क्या है इसके अंदर? और तो कुछ नहीं है, और तो सब फालतू ही चीज है। तो गाइस देखते हैं यहाँ पे, क्या पता हमें कोई और चेस्ट मिल जाए। ठीक है चेस्ट मिल जा भाई, चेस्ट चाहिए मेरे को। ठीक है चेस्ट, आई गेस एक ही चेस्ट होती है, हाँ यही है ना वो। ओके दोस्तों तो जितना भी सामान आया है उससे हम अपने गियर्स को अपग्रेड कर लेते हैं आयरन के अंदर। भाई ये कुछ ज्यादा ही एपिक मोड है गाइस। अगर अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हो और आपने लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, जल्दी जाके लाइक करो। ओके भिड़ू लोग तो यहाँ पे अपने सबसे पहले बनाने वाले हैं अपना एक आयरन का फुल स्टैक आर्मर, भाई मजा आने वाला है। ओके दोस्तों तो यहाँ पे मैंने आयरन आर्मर भी बना लिया है, लेट्स गो। सूट अप भी आ चुका है दोस्तों अपन को।
भाई मजा ही आ गया आज तो। ओके दोस्तों, तो अभी देखना है कि क्या पता हम गोल्ड ब्लॉक के अंदर जा सकते हैं कि नहीं, और गोल्ड ब्लॉक के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा, मजा आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे को नीचे एक रवीन दिख रही है, तो क्या पता इसके अंदर से मेरे को गोल्ड मिल जाए ना। तो यहाँ पे नीचे पानी भी है, तो एक काम करते हैं डायरेक्ट पानी के अंदर ही कूद मारते हैं। और यहाँ पे कॉकरोचेस घूम रहे हैं, छी भाई कितना वियर्ड लग रहा है मेरे को इस वक्त, क्या बताऊं गाइस मैं आपको। ये फ्लावर ऑफ हीलिंग से कुछ होता तो है नहीं फालतू का। ओके बस यहाँ पे मेरे को अभी गोल्ड ढूंढना है, गोल्ड कहाँ पे भाई, सुपर पिकैक्स से माइन करूंगा गोल्ड को। तो ये रहा गोल्ड दोस्तों, तो एक काम करते हैं इसको माइन करते हैं। भाई कितना जल्दी टूट रहा है, लोल भाई इतना जल्दी तो भाई आज तक कुछ। ओके यहाँ पे और भी गोल्ड है, नाइस नाइस नाइस, मेरे को और गोल्ड चाहिए, और गोल्ड चाहिए। किधर है भाई गोल्ड, किधर है बताओ। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे भी मेरे को मुंह के सामने गोल्ड दिख रहा है, तो एक काम करते हैं इसको भी माइन कर लेते हैं। लेट्स गो, मेरे पास कितना गोल्ड आया है, 10 ब्लॉक आ चुके हैं, चलो लेट्स गो। तो अभी यार मेरे को इसको स्मेल्ट करना होगा। ओके तो ये रहा हमारा फर्नेस, इसके अंदर रखेंगे हम कोल, और ये रखा मैंने गोल्ड के ब्लॉक। और ये जब तक स्मेल्ट हो रहा है ना दोस्तों, तब तक सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा सारा का सारा गोल्ड ऑलमोस्ट स्मेल्ट हो चुका है, तो अभी इससे अभी मैं बनाने वाला हूँ दी गोल्ड ब्लॉक, अभी आएगा ना मजा भिड़ू। ओके तो एक काम करते हैं ये वाला गोल्ड भी निकाल ही लेते हैं, इसकी वैसे तो इतनी जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे इसको हम करते हैं माइन, रखते हैं गोल्ड ब्लॉक को, और सबसे पहले तो भाई क्राफ्टिंग टेबल निकालते हैं। और अरे कहा गया। ओके ये रहा अपना क्राफ्टिंग टेबल। ओके दोस्तों, तो ये रही हमारी एंडर पर्ल, और चलते हैं सीधा इस गोल्ड ब्लॉक के अंदर। वेट, मैं गोल्ड ब्लॉक के अंदर नहीं जा पा रहा, क्या मतलब मैं गोल्ड ओर के अंदर जा सकता हूँ? लेट्स ट्राई। ओ दोस्तों हम गोल्ड ब्लॉक के अंदर नहीं जा सकते, हमारा यहाँ पे पोपट हो चुका है भाई। ओके कोई बात नहीं, तो सीधा चलते हैं अभी डायमंड माइनिंग पे, और देखते हैं कि डायमंड ब्लॉक के अंदर क्या होने वाला है। ओके दोस्तों, तो कोशिशें जारी रहे, और ऑब्सीडियन के अंदर जा सकता हूँ क्या मैं? ओ भाई ऑब्सीडियन के अंदर आ गया मैं, और ये क्या है, ओपे ऑब्सीडियन का गोलम। अरे भाई कैसा है तू, रो भाई इसके भाई डोले शोले देख रहे हो भाई, ऑब्सीडियन का गोलम है भिड़ू लोग, व्हाट द हैक। और क्या है भाई, चेस्ट किधर है? ये रही चेस्ट, और चेस्ट के अंदर मेरे को लिटरली ऑब्सीडियन का आर्मर मिल चुका है ब्रो, व्हाट द हैक, यहां पे लिटरली ऑब्सीडियन का आर्मर है, और मैं पूरा ऑब्सीडियन के आर्मर में आ चुका हूं, कितना अमेजिंग लग रहा है ना, लॉल भाई। और यहाँ पे इतने सारे एंडर पर्ल, और वेट अब तो मैं एंड के अंदर भी जा सकता हूँ, हो गया भाई एंडर ड्रैगन तो गया भाई, एंडर ड्रैगन तू तो गया। और ये क्या है भाई, ये मेरे को कुछ अजीब सी चीज लग रही है, क्या इसको हम अपने ऑफ एंड में रखते हैं? ओ भाई ये क्या है, अरे भाई हम तो ऐसे कहीं पे भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं यार, ये कितना अमेजिंग है ना दोस्तों। वो मेरी एक्सपी भी कितनी तेज से बढ़ रही है भाई, ये कुछ ज्यादा ही अमेजिंग और मायावी चीज है यार, भाई 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 कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है मेरे को। एक काम करते हैं और भी ऐसे एंडर पर्ल्स निकाल लेते हैं, क्या पता हमें इसकी फ्यूचर में कुछ ज्यादा ही जरूरत पड़ जाए। तो यहाँ पे हमारा गोलम है, अगर मैं इस गोलम को मारू तो क्या मिलेगा भाई हमें? यार नहीं मार रहा, मेरे पास कोई वेपन नहीं है, ये गोलम से फालतू में मर गए ना, तो अभी लेने के देने हो जाएंगे। यहाँ पे लिटरली बहुत ही ज्यादा मजा आ चुका है, और अभी चलते हैं और देखते हैं कि डायमंड ब्लॉक के अंदर क्या है। लेट्स गो दोस्तों, तो अभी मैं आ चुका हूँ ऊपर बहुत सारी डायमंड माइनिंग के बाद, बट मेरे को सिर्फ 9 डायमंड ही मिला है, आई गेस इतने ही इनफ है ठीक है। तो एक काम करते हैं इससे फटाफट से बनाते हैं एक डायमंड का ब्लॉक, और मेरे से तो वेट नहीं हो रहा, चलते हैं सीधा इसके अंदर। और यहाँ पे मैं आ चुका हूँ डायमंड ब्लॉक के अंदर, और यहाँ पे है डायमंड गोलम ब्रो ओपी। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलने वाला है, लेट्स चेक इट आउट। यहाँ पे मेरे को मिल चुकी है बग्ड डायमंड स्वॉर्ड, ओ माय गॉड। और यहाँ पे है लिटरली बहुत सारे डायमंड के ब्लॉक्स, लिटरली भाई मजा ही आ गया आज तो। और ये क्या है, ओ जैसे ये ऑब्सीडियन का हैंड है वैसे ये डायमंड का हैंड है, इससे क्या होता है? ओ भाई इससे कुछ तो इफेक्ट्स निकल रहा है, एक काम करते हैं इससे बाहर चलते हैं और इस डायमंड ब्लॉक को टेस्ट करते हैं कि इससे क्या होने वाला है। ओके डायमंड हैंड से कुछ तो होने वाला है, ओ भाई इससे कुछ तो ऐसे इफेक्ट्स निकल रहे हैं, और ये कुछ ज्यादा ही ओपी लग रहा है मेरे को। ओके बट मेरे को सबसे ज्यादा बेस्ट बताओ ना तो यही लगा है, क्योंकि ये तुम्हें कहीं पे भी टेलीपोर्ट करवा सकता है ना, एकदम ग्रैपलिंग हुक जैसा। ओके तो यहाँ पे इतने सारे डायमंड के ब्लॉक्स आ चुके हैं, लिटरली अमीरी देख रहे हो दोस्तों, अमीरी देख रहे हो। और ये डायमंड की स्वॉर्ड देखो भाई कितनी बड़ी है यार, मेरे फ्रेम में भी नहीं आ रही है। तो छी प्राणी इधर आ जा भाई, मेरे को तेरा खाना दे दे यार, मैं इतने टाइम से भूखा हूँ, अभी खाना दे दो यार। दोस्तों एंड पोर्टल में जाने से पहले गाइस हमारे पास तो ऑब्सीडियन भी है यार, यानी कि हम नेदर पोर्टल बना सकते हैं, और अगर हमने नेदर पोर्टल बना लिया फिर उसके बाद दोस्तों हम जा पाएंगे सीधा नेदर में, ओ भाई मजा ही आ जाएगा। और नेदर में जाके हम लोग निकालेंगे नेदरराइट, और नेदरराइट को निकालने के बाद
क्या पता दोस्तों हमें नेदरराइट ब्लॉक के अंदर जाने की भी जगह मिल जाए। चलो नया नया फ्लिंट एंड स्टील बना लिया है, सीधा चलते हैं इस नेदर पोर्टल के अंदर और देखते हैं कि हमें क्या क्या मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ नेदर के अंदर और यहाँ पे मेरे को फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए ढूंढने होंगे एंशिएंट डेब्रीज। चलो भाई माइनिंग जारी रखते हैं, कब मिलेगा अपने को एंशिएंट डेब्रीज। और ये रहा भाई, लेट्स गो, एंशिएंट डेब्रीज भी अपने पास आ चुका है भाई, लेट्स गो यार। ओके, और ढूंढते हैं। चलो दोस्तों बहुत सारे माइनिंग के बाद एंशिएंट डेब्रीज तो आ चुके हैं, काम करते क्या पता हम इसके अंदर जा पाते हैं कि नहीं, ये मेरे को टेस्ट करना है। ठीक है, ओके, जाने के इसके अंदर मैं नहीं जा पा रहा हूँ तो मेरे को नेदरराइट के ब्लॉक ही बनाने पड़ेंगे ब्रो, इसमें तो हालत खराब होने वाली है। चलो भाई सारा का सारा गोल्ड यूज करके हमारे पास आ चुके हैं इतने 10 नेदरराइट के इंगट्स, तो एक काम करते हैं फटाफट से इसको अपने बनाते हैं क्राफ्टिंग टेबल और क्राफ्टिंग टेबल में डालते हैं इसको और बनाते हैं एक नेदरराइट का ब्लॉक। भाई इसके अंदर जाने के बाद क्या मिलने वाला है, लेट्स सी ब्रो। इसके अंदर मैं जा ही नहीं पा रहा भाई, पहले पता होता मैं इतनी मेहनत ही नहीं करता, पोपट हो चुका है भाई। ओ, क्राफ्टिंग टेबल के अंदर जा सकता हूँ क्या मैं? ओ, इसके अंदर जा सकता दोस्तों, इतनी मेहनत की पर हम खाक कुछ भी नहीं कर पाए, नेदरराइट ब्लॉक में जा ही नहीं पाए। बट अगर आपको आज की वाली वीडियो में मजा आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून, टाटा बाय बाय।